रात्रि बेला में क्या बनाने लगी? हे गाइस, चंदा दी रसोई 24 में आपका स्वागत है। तो आज मैं सोयाबीन के कबाब बना रही हूँ, जो कि रमजान स्पेशल हमारे किचन में बन रहा है। तो चलिए बनाते हैं। मैं इसे नमक डाल के बॉयल कर दी और इसे छान के पीस देती हूँ। तो मैं निचोड़ के इसमें थोड़ा धनिया पुदीना डाल दी हूँ, प्याज डाल दी हूँ, हरी मिर्च डाल दी हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के पीस देती हूँ। प्याज, मिर्चा, हल्दी, नमक, धनिया, थोड़ी सी मिर्चा पाउडर, चाट मसाला और थोड़ी सी गरम मसाला, एक चम्मच घी सारे डाल के और बेसन के साथ मैं इसे फैट देती हूँ। दो बड़े चम्मच बेसन डाल के मैं मिक्स करके कबाब सेक लेती हूँ। पाउडर और बेसन मैं डाल के इसे फैट दी हूँ और हाथ में घी लगा के तल देती हूँ। बड़ा चम्मच क्रश गाजर और शिमला भी मैं इसमें डाल देती हूँ और हाथ में तेल लगा के मैं गोल गोल पेड़ा से कबाब बना लेती हूँ। ये सारे कबाब को मैं डाल चुकी हूँ और इसे फ्राई कर देती हूँ। तैयार हो गया सर। तो गाइस, ये हमारा रमजान स्पेशल ब्लॉग है, मिनी ब्लॉग। आजकल मैं ब्लॉग ही लेके आती हूँ। तो देखिए, बहुत अच्छे से ये दोनों साइड से मैं फ्लिप करके एक बहुत क्रिस्पी बनी। अब मैं इसे डिस आउट कर देती हूँ। कबाब तैयार हो गया तुम्हारा। या सोयाबीन का कबाब देखिए बन चुका है, कितना क्रिस्पी बना है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और ये हमारा ब्लॉग था, मिनी ब्लॉग, रमजान भाइयों के लिए मैं बनाई थी सोया का कबाब, जो कि जिसमें फुल प्रोटीन रिच ये डिश होता है। मैं सोया का कबाब, सोया का बहुत यूज करती हूँ। तो अगर आपको और इसे मैं सर्व कर रही हूँ प्याज नींबू डाल के, और ये सॉस है और कुछ मैं बनाई नहीं हूँ, तो बहुत गर्मी है फ्रेंड, हमारे किचन में बहुत गर्मी लगती है। और ये देखिए, दो मिर्ची रखी हूँ। तो अगर आपको हमारी ये सोया के कबाब की रेसिपी अच्छी लगती है, क्रिस्पी कबाब है ये, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल चंदा दी रसोई 24। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दुआओं में याद करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर।